आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन का 85वां दिन और आज रेल रोको आंदोलन 4 घंटे के लिए किसानों के जरिए किया गया है, जहां देश भर में किसानों के जरिए रेल रोककर एक बार फिर से सरकार को नींद से जगाने की कोशिश है। क्योंकि किसान कह रहे हैं जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी आंदोलन तो वापस होगा नहीं। ऐसे में रेलवे की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है, खासतौर पर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, बंगाल में भी सुरक्षा के खास इंतजाम देख पा रहे हैं हम। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। रेल की पटरियों पर बैठकर रेल रोकी जा रही है, लेकिन 26 जनवरी जैसी हिंसा ना हो जाए इसका ख्याल किसान भी रख रहे हैं और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि 26 जनवरी जब ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात किसानों के जरिए कही गई थी तब भी हिंसा और हंगामे की तस्वीरें सामने आई थी, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ था और उसके बाद से ही एहतियात दोनों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। किसान नहीं चाहते उन्हें बदनाम करने के लिए कोई भी इस आंदोलन में बीच में आकर फायदा उठाए या फिर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो हिंसा का रूप देकर। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जरिए पहले से तैयारी है कि किसी भी तरह से हंगामा या फिर हिंसा की घटना सामने न आए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, चूंकि 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए रेल रोकेंगे किसान, जगह जगह से देश भर से रेल रोकने की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए जी, ये जम्मू कश्मीर किसान एकता फ्रंट की तरफ से जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन, जो कि किसानों ने दिल्ली से जिस चीज की एक आवाज दी थी कि आज के दिन 12 से फतेहगढ़ साहिब से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर किसान ये कह रहे थे दिल्ली के बॉर्डर्स पर हमारे साथी किसान भाई बैठे हुए हैं पिछले 85 दिन से, ऐसे में हम अपने अपनी जगह रेल रोककर इस प्रदर्शन में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं। ये हमारा योगदान है उन साथी भाइयों के लिए जो किसानों के हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। इस बीच राकेश टिकैत ने रेल रोको आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। तो 12 बजे से 2-3 बजे तक रहेगा, 3-4 बजे के आसपास तक रहेगा 12 बजे से, और ट्रेन तो आई नहीं रही, रेल कहीं को रोक ले, ट्रेन तो आई नहीं रही। हाँ, ट्रेन चल कहाँ रही, शांतिपूर्ण तरीके हम तो माला चढ़ाओगे और जो बच्चे वहाँ पाएंगे उनको पानी पिलवाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब जगह आंदोलन चले, क्योंकि दिक्कत है पूरे देश के किसानों को। MSP मिल जाएगी तो उसका लाभ पूरे देश के किसानों को होगा। MSP और MRP दोनों तय होनी चाहिए, भाई कौन आदमी कितने में लेगा, कितने में बेचेगा, अब वो तो तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंज्यूमर भी मर गया, किसान भी मर गया। राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे सरकार मान ले तो फिर क्या जरूरत है हमें जगह जगह आंदोलन करने की या फिर सड़कों पर बैठने की, किसान मांगे माने ताकि हम घर वापस हो पाए। फिलहाल ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह किसानों को समर्थन मिल रहा है जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिखा रहे हैं, लातूर स्टेशन से ये तस्वीरें, जहां पर किसान बैठे हुए हैं और किसान इस आंदोलन के जरिए एक बार फिर से सरकार को बता देना चाहते हैं। हालांकि 4 घंटे का ही ये आंदोलन है जिसमें देश भर में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यात्रियों को दिक्कत हो सकती है, ट्रेन जगह जगह रोकी जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं जल्द।